जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी द्वारा एक मजदूर महिला के साथ छेड़खानी करने तथा विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित मजदूर महिला ने पुलिस उप महानिरीक्षक का दरवाजा खटखटाकर न्याय किए जाने की गुहार की है। यह पूरा मामला गरौठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने पुलिस उप महानिरीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह मजदूरी का काम करती है। 15 जून को वह बस स्टैंड के पास हो रहे सीसी कार्य में मजदूरी का काम कर रही थी। तभी क्षेत्र का एक दबंग वहां पहुंचा और उसने छेड़खानी की। जब उसने इसका विरोध किया तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती का आरोप है कि आरोपी भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का पदाधिकारी है। इस संबंध में जब उसने गरौठा थाने में शिकायत की तो प्रभारी ने उसे धमकाते हुए समझौते के लिए दबाव बनाया। प्रार्थना पत्र में उसने रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने की गुहार की है। क्या मामला है? सर गुड्डू पाटा कहेंगे, उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की और हमसे छेड़खानी की और हमारे घर आते हैं सो हमें धमकी देते हैं अभी और राजीनामा की धमकी देते हैं और वीडियो बनाते हैं सो यानी दरोगा जी इंस्पेक्टर साहब थाने में एप्लीकेशन देते हैं। अभी मैं ठेकेदार उनकी चलती ज़्यादा है अभी वर्का को आते भी आउट हैंगे हमारे तो अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम बताओ क्या करेंगे। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ छेड़खानी हुई सर। कहाँ पर? गरौठा बस स्टैंड 15 तारीख सुबह 10 बजे थाने गए थे? हाँ थाने गए थे, काम करने गए थे, वहाँ सीसी डर रही थी। आज कहाँ आए हो आप? आज डीआईजी के यहाँ। थाने में नहीं गए थे? हाँ थाने में गए थे। क्या हुआ फिर? वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं भाई, इंस्पेक्टर साहब भी हमें धमकी दे रहे थे, बोले राजीनामा कर लो नहीं तो तुम्हारा कोई केस चालू नहीं होगा। गरौठा। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर कि हमारा यानी मुकदमा हो। डीआईजी साहब से मिली, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ डीआईजी से मिले, डीआईजी ने गरौठा फोन भी लगाया, भूल रहे थे कहते वो चाहे जो काम होना चाहिए।